उसमें बहुत से लोगों ने, मैंने देखा कि इंडिया जब मैच हार गई तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बड़ी ये प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। बेटू जी क्या कह रहे हैं, अगर आपके फोरआर्म्स वगैरह ये नस वगैरह अच्छे से निकल दिख रही हैं या नहीं तो आपकी, और आप भी करो, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग, और आपका स्वागत है ब्लॉग 22 में। एक मिनट, पहले तो मैं तैयार होके आता हूँ, कीचड़ वगैरह बहुत जमा है आंखों में। तो हमारी अभी किचन थोड़ी फैली हुई है, बिकॉज जो हमारी किचन की आगे की साइड है ये अभी बन रही है, और ये था इतना हिस्सा, ये यहाँ से दिखरा दे रहा, ये मतलब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना हिस्सा था, बट अभी ये कोट की पूरी बड़ी बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हो काम चल रहा है अभी फिलहाल। ओके, रेडी हो गए। आपको एक ये वाटर से रिलेटेड एक बात बतानी है, जैसे कि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको पता है क्यों बोलते हैं कि 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो तो अंदर आपके एनाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है। एनाबॉलिक से मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म, जिसमें आपके ऑर्गन्स वगैरह काम करते हैं और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि बस सो के उठो, अपना फ्रेश वगैरह हो और खाने पीने के लिए लग जाओ। भाई पानी ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि वर्क करने पर ही प्यास लगे और पानी पिए, ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप रात वर्क पर आप सो रहे हो कि बॉडी वर्क कर रही है और आपके उसके अंदर ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, इसीलिए आपको पानी पीना ज़रूरी है। और ध्यान रखना, एक और बात बताना चाहता हूँ, ये मैं 2 लीटर की बोतल लेके चलता हूँ हमेशा, बिकॉज इससे मुझे मेजर करने में आसानी होती है कि मैंने कितना पानी पी लिया है, 8 लीटर या 6 लीटर जितना भी मेरा पानी होता है। आप भी ट्राई करना। ये प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर, और बहुत से लोगों का क्या कहना होता है कि इसमें ज्यादा झाग आ जाए तो इसे नकली समझने लगते हैं, ऐसा नहीं होता यार। कई बार इसमें पानी का मैटर पड़ जाता है, एयर का मैटर पड़ जाता है, और जैसे कि आपने रॉ प्रोटीन है उसको घोला होगा, मतलब शेक किया होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि कई बार ज्यादा झाग देखने के लिए मिलता है। कुछ नहीं होता यार इससे, और कई बार तो ऐसा सोचते हो कि इकट्ठा हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जिससे आपका सही से शेक नहीं हो पाता। जैसे कई बार क्या है, इसमें बॉल डली है तो देखो आवाज आ रही होगी, तो ये सही से शेक हो जाता है, बट कई बार किसी में बॉल नहीं डली होती है जिससे वो सही से टकरा नहीं पाते, उसके छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमें उसमें दाने देखने के लिए मिलते हैं। सो बस यही एक मैटर है और कुछ नहीं, ज़्यादा सोचा मत कीजिए, मतलब सोचो मगर थोड़ा रीज़न तो जानने की कोशिश करो एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। प्रोटीन बेकार भैया, प्रोटीन से ये खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, और हाँ किडनी बोलते हो ना, मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसे आई बटन में जाकर देख लेना, मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा और आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में प्रोटीन से ही आपकी किडनी खराब होती है या नहीं। हाँ हेलो, हाँ बाजी आ रहे हो, आ जा, कैसी बातें कर रहा है यार भाई, आ जा। और हाँ प्लीज यार, जरा शोर शराबा थोड़ा सा मैनेज करके चलना, बिकॉज जो मेरा घर है वो मेन रोड पे है और उधर से जो भी बाइक व्हीकल वगैरह निकलते रहते हैं, सो थोड़ा मैनेज करके चलना। ओके, ओ पाजी आ गए। अरे पाजी तो पिचक गए यार, थोड़े से कमजोर लग रहे हो, क्या करें, क्या नहीं बात है। हाँ नवोदय में यार थोड़ा सिस्टम, मतलब थोड़ा खाने पीने का, कई बार खा नहीं पाते ना। पाजी क्या हाल चाल है? अभी आया ही था। कहाँ पे आए थे? मैं घर पे, अभी छुट्टी हुई थी हमारी, तो दीपावली के दिन आया था घर पे। हाँ दिवाली आ रही है, ये तो मैं भूल ही गया था। और आज मैं सोचा है कुछ एक मनी हिस्ट का सीजन देखेंगे, फाइव जितने भी 1 से लेके 4 तक से सीजन वो सारे देख चुके हैं, आप भी देखना। और आज मैं फ्री हूँ, बिकॉज संडे तो है नहीं, गुरुवार है, और गुरुवार को रहता है मेरा रेस्ट डे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हफ्ते में 2 बार रेस्ट लीजिए, अच्छे से मसल को ट्रेन कीजिए, 5 बार,
और जो दो बार आप रेस्ट लोगे उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि शनिवार और रविवार को रेस्ट लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो शनिवार का रेस्ट उठाकर आप गुरुवार पर रख दीजिए, बिकॉज ऐसा होगा क्या, 3 दिन आप अच्छे से मसल डैमेज करोगे और 4th दिन आपका रेस्ट होगा और फिर आप अच्छे से रिकवर होगे, फिर 5वें दिन और 6वें दिन आओगे, फिर आप रेस्ट। इस तरीके से आप स्मार्टली डिवाइड करके चलिए, ओके। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आगे जाके मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो पर, एक टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा आपके लिए, बिकॉज थोड़ा अभी बिजी शेड्यूल हो गया है। सो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग करते करते आपके टॉपिक्स जो है क्लियर करते चलूं, और इस ना चीज से जितना हो सकेगा वो करेगा, जितनी इसकी नॉलेज होगी, थोड़ा सा नॉलेज है, ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है मेरी, नॉलेज तो होता है यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, और इस ब्लॉग में मैं आपको वर्कआउट से रिलेटेड तो बताऊंगा ही, जो ब्रो स्प्लिट होता है, पुश पुल लेग स्प्लिट या डबल मसल ग्रुप, आपको कौन सा वर्कआउट लेना चाहिए, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि किस वर्कआउट स्प्लिट से आपका मसल ज्यादा से ज्यादा गेन हो सकता है। जल्दी दे दो भाभी यार चाय, यार वो खाएंगे चाय पराठे। कई बार बहुत से लोग ये बोलते हैं कि चाय पराठे नुकसान करते हैं, यार कभी कभार चल जाता है, चाय कॉफी सब पीजिए, मतलब ये मत सोचिए कि चाय पीना नुकसान करता है, कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चलने दो यार, जिंदगी है, सबका मिक्सअप होता है, एडजस्ट। अब हम करेंगे एंजॉय, मनीष देखते देखते और आप भी करो, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। अरे बेटू जी क्या कह रहे हैं, अगर आपके फोरआर्म्स वगैरह ये नस वगैरह अच्छे से निकल जाती है, मतलब वेन्स वगैरह मेरे साथ दिख रही है या नहीं, तो आपकी पुलिस की नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाएगी, मतलब भाजी देख रहे हो आप, फोरआर्म्स पर नसें निकलने से यानी कि सबसे बॉडी बिल्डर पुलिस वाले, ऐसा नहीं होता बेटू, क्वालिफिकेशन चाहिए, पेपर देना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है, यही कर रहे थे हम कुछ टाइम पहले, बट अब नहीं लगी, नहीं बट अब एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी बेटा, अब ये आप समझोगे नहीं, अभी फिलहाल आप पराठा खाओ। हेलो गाइस, चाय पी लो। मैं फीलिंग आ रही थी कि मतलब चाय पीते पीते वो एक आंटी जी थी मतलब कोई था, उन्होंने बोला था कि हेलो गाइस चाय पी लो, सो उसी का ध्यान आ गया, हम जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, और जमीन पे बैठ के खाने कुछ मिल गया, कुछ और होता है यार, और फीलिंग जो आती है वो जमीन की आती है। और हाँ, कुछ लोगों से ये भी बोलना है कि ठंड वगैरह आ रही है, जरा अपना ख्याल रखना, ओके। अभी थोड़ी दोपहर थी, मैं सो गया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी, बिकॉज मैं थक चुका था। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने, मैंने देखा कि इंडिया जब मैच हार गई तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बड़े कॉन्फिडेंस में आ रहे थे और मैच खेल नहीं पाए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ था। बट यार जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई बड़ी चीज आती है, कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो यार बड़ा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा। हमने रोहित शर्मा, केएल राहुल और भी बैट्समैन थे जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट कोई बात नहीं यार, नहीं हो पाया, उधर से बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता यार, बट यार इतना भी उम्मीद मत करो कि टूट जाए, कोई बात नहीं, और भी मैच आएंगे, जीतेंगे, बट ये मत सोचो कि यार कि हम जीतेंगे, हाँ जीतना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और फील्ड वर्क रहता है, बहुत कुछ प्लानिंग रहती है, कैप्टेंसी रहती है, बहुत कुछ रहता है, बट कई बार नहीं हो पाता यार, सो इस मैटर को छोड़िए, और भी मैच है, ओके। सो 7 बज चुके हैं, ये देखो शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, और तो जिम की अभी 1-2 क्लास है, उनमें कस्टमर्स को ट्रेन करने जाना है, और वहीं से हम अपने लेने जाएंगे मील, लास्ट वाला, ओके। तब तक एक शेक, मतलब ये भी एक मील है, इसमें ओट्स है और प्रोटीन है और वाटर। इसका एक काम करो, मैं आपको आई बटन पर देख लूंगा, आप जाकर उसे जरूर देखना, बिकॉज एज अ प्री वर्कआउट मील के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, आप जाकर जरूर देखना और इसे ट्राई भी करना। तो अब हम निकलते हैं अपने जिम के लिए, चलो।
सो जिम से आ चुके हैं। एक्चुअल में ये कल का दिन नहीं है, ये नेक्स्ट डे है, अगला दिन। मैं कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गया था मैं और सो गया। ठीक है, सो थोड़ा तैयार हो जाए और फिर उसके बाद बात करते हैं हम ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग स्प्लिट के बारे में कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, किन किन कंडीशंस में करना चाहिए। ओके, सो थोड़ा तैयार हो जाए। सो अब बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में और आप थोड़ा ये शोर को मैनेज करके चलना, थोड़ा घर में काम चल रहा है और थोड़ा थोका पीटी की आवाज आएगी आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रो स्प्लिट के बारे में। ब्रो स्प्लिट में आप जानते हो कि हफ्ते में 5 दिन में आप वर्कआउट को फिनिश करोगे, जैसे कि मंडे चेस्ट या बैक या लैप से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको 5 दिन में पूरा फुल बॉडी वर्कआउट को आपको फिनिश करना है। ओके, और बहुत तरीके से ब्रो स्प्लिट्स बन सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप देख लीजिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं पुश पुल लेग्स के बारे में। जैसे कि आप मंडे को पुश वर्कआउट रख सकते हो और पुश वर्कआउट में यानी कि धक्का देना, जैसे कि चेस्ट हो गया, आपके पुश डाउन हो गया, और जिसमें आप धक्का देते हो यानी कि पुश करते हो वो पुश मूवमेंट में रहेगा। और सेकंड डे आपका पुल मूवमेंट होगा जिसमें आप खींचते हो या कोई उठाते हो चीज, जैसे कि आपका बाइसेप्स हो गए और आपकी बैक मसल हो गया। ठीक है, और भी एक्सरसाइजेस हैं। और आप थर्ड डे में क्या करोगे, लैप्स, जिसमें आप क्वाड एक्सरसाइज करोगे, हैमस्ट्रिंग की करोगे और अपने काप्स को भी ट्रेन कर सकते हो। ओके, तो ये 3 दिन में खत्म होता है और हफ्ते में आप 2 बार भी परफॉर्म कर सकते हो, बट मेरा कहना ये है कि आप इसे 5 दिन ही परफॉर्म करना, बाकी का जो आपके लेग्स छूटेंगे वो आप अगले हफ्ते में डाल देना, बिकॉज आपको हफ्ते में 2 दिन का गैप जरूरी है अगर आप अच्छा खासा स्ट्रेंथ देते हो अपने वर्कआउट में। ओके, सो अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि ब्रो स्प्लिट का क्या बेनिफिट है और पुश पुल लेग का क्या बेनिफिट है। जैसे कि मान के चलिए ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि आपका कोई मसल वीक है ये मान के चलिए, तो आप एक पर्टिकुलर एक डे में उसे अच्छे से हिट कर पाओगे, वॉल्यूम डाल पाओगे। और वॉल्यूम का मतलब मेरा इससे है कि आप उसमें नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा पाओगे, नंबर ऑफ रेपिटेशंस भी बढ़ा पाओगे, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ब्रेक होगा, फिर आपको डाइट लेना है और अपने स्लीप भी लेना है, जिसकी वजह से वो आसानी से ग्रो हो पाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, आप ब्रो स्प्लिट फॉलो तो कर रहे हो, पर डे एक्सरसाइज करोगे, आपको इतना टाइम नहीं मिलता। जैसे कि कोई वर्क कर रहा है, कोई अपनी जॉब करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है, तो उसको रोज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, कई बार तो वर्कआउट के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता, तो ये ब्रो स्प्लिट वर्कआउट उनको सूट नहीं कर पाता, बिकॉज उनका गैप ज्यादा हो जाता है उनकी सिचुएशन के हिसाब से, उनकी जॉब कंडीशंस के हिसाब से, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो उनकी वजह से। और वहीं देखा जाए तो पुश पुल लेग आप 3 दिन में अपनी फुल बॉडी वर्कआउट खत्म कर सकते हो अच्छे खासी इंटेंसिटी के संग और वेट बढ़ाकर। और जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा गैप होते हैं, तो मैं उनको पुश पुल लेग ही सजेस्ट करूंगा। मान के चलिए आपने 2 दिन ट्रेन किया, पुश पुल एक्सरसाइजेस खत्म करनी 2 दिन में, और उसके बाद मान के चलिए 1-2 दिन का फिर गैप हो गया, तो आप अपने डाइट को पहले तो बैलेंस करके रखना है और वो आपकी बॉडी रिकवर मोड पर डली रहेगी। और यहाँ पर रिकवर मोड से मेरा मतलब ये है कि आपको अच्छे से डैमेज करना है तब डलेगी, ना कि थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया और फिर आप रिकवर कर रहे हो, ऐसा नहीं। और फिर आप आगे जाके अपने लेग्स को भी अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हो, इस तरीके से अगर आपका गैप भी होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो स्प्लिट जो वर्कआउट है वो बेकार है, ब्रो स्प्लिट वर्कआउट बेकार नहीं है, अगर आपको टाइम मिलता है पर्टिकुलर एक सुबह या शाम को वर्क करने का, वर्कआउट करने का, तो आप ब्रो स्प्लिट वर्कआउट ही चूज कीजिए, जिससे आप आसानी से मसल बना पाओ और आसानी से आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाओ। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी लगता है कि हम नहीं चूज़ कर पा रहे हैं कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट लेना चाहिए, तो आप अपने ट्रेनर की सलाह ले सकते हो, अपने कोच की सलाह ले सकते हो, टीचर की सलाह ले सकते हो, अगर वो नहीं है तो आपका भाई है, थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को है इस मार चीज़ को जो आपको बता सकता है थोड़ा बहुत, तो टेंशन मत लीजिए। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, अरे यार ये कितना शोर हो रहा है, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और जो आपके खास हो उनका भी और ऐसे ही फिट बनी रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।